हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फतेह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बेस्ड गोल्डन रेज बुक है उसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ, इसको आज हम शुरू करेंगे आपको पढ़ाना। बच्चों, ये जो गोल्डन रेज आपकी बुक है ये एग्ज़ाम में आपके 23 मार्क्स इस बुक में से क्वेश्चन हैं जो वो पूछे जाएंगे, जिसमें से 14 मार्क्स जो आपके प्रोज सेक्शन में से पूछे जाएंगे और 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पोएट्री सेक्शन में से आएंगे। तो 23 मार्क्स काफ़ी होते हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से इस बुक को हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कवर करवाएंगे इस बुक को। तो आज इसी कड़ी में इसका फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ना शुरू करेंगे जो कि है द बुक दैट सेव द अर्थ। बच्चों, सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस बुक में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? पहला जो है वो है हिस्टोरियन, कोई यानी कि कोई है जो हिस्ट्री बताने वाला है, ठीक है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है एक कैरेक्टर, एक अप्रेंटिस नूडल है। ये अप्रेंटाइज का मतलब होता है प्रशिक्षु, मतलब जो अभी मतलब नया नया सीखने लगा है कोई काम, ठीक है, वो है। कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट लोटा है, सर्जेंट ऊप है और ऑफ स्टेज वॉइस है कोई, मतलब स्टेज के बाहर से कोई आवाज़ आती है। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है ये एक ड्रामा है बेसिकली। क्या है ये? ड्रामा है, एक ड्रामा है जिसके दो सीन हैं जिसमें से ये फर्स्ट सीन है। तो बिफोर वी कंटिन्यू द लेसन लेट्स हैव क्विक स्टडी ऑफ द वोकैबुलरी फर्स्ट, ठीक है। तो पहले थोड़ा वोकेबलरी है जो इसकी उसके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल लास्ट में ग्लॉसरी जो दे रखी है आपको, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ग्लॉसरी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चों का, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है आप जब तक उसके अर्थ नहीं पता, उसके शब्दों के अर्थ नहीं आपको पता, आप उसको समझ नहीं सकते, उस लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी ग्लॉसरी। तो पहले हम इसकी ग्लॉसरी के बारे में जान लेते हैं। पहला जो शब्द है वो क्या है? क्यूरियोसिटी। क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? क्यूरियोसिटी क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में हमें उत्सुकता होना। और ये यहाँ पे क्या है? क्यूरियोसिटीज़, ये नाउन है एक। क्या है? नाउन है। क्या मतलब दे रखा है इसका? स्ट्रेंज और रेयर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ अजीबोगरीब जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए यहाँ पे क्यूरियोसिटीज़ जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। जुलूज़, जुलूज़ भी एक नाउन है, एन दे रखा है नाउन। तो जुलूज़ क्या होती है? ए साउथ अफ्रीकन रेशियल ग्रुप होता है ये। क्या मतलब है इसका? साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति है, रेशियल ग्रुप है, जिसको जुलूज़ कहते हैं, जुलूज़ जाति, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया भी नाउन है। क्या होता है? ए बुक। क्या है ये? एक बुक है, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज और ऑन वन सब्जेक्ट। तो ये एक बुक होती है, एक इंसाइक्लोपीडिया का मीनिंग वैसे क्या होता है? विश्वकोश। क्या मतलब होता है इसका? विश्वकोश। तो मतलब ऐसी बुक है जिसमें सारी हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, जी बताया गया है इसमें, ठीक है। आगे है, आगे है एनसाइक्लोपीडिया के बाद एडवर्ब दे रखा है पीविशली। क्या दे रखा है? पीविशली। पीविशली का मतलब दिया है इरिटेबली। तो इसका क्या मतलब होता है? पीविशली का मतलब, पीविशली का मतलब होता है
मतलब जैसे अपने बहुत खींच कर बोलते हैं ना, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाते हुए बोलना, ठीक है, इरिटेट होते हुए बोलना, उसके लिए है ये, ठीक है। तो एडवर्ब है, वर्ब की क्या है, विशेषता बता रहा है ये, चिड़चिड़ा कर बोलना इस तरह से। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज पे एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज का क्या मतलब है, ये भी नाउन है एक, जिसका मतलब क्या होता है, ए न्यू लर्नर, मैंने आपको बनाया बताया प्रशिक्षु होता है इसका मतलब, हिंदी में अगर शुद्ध इसका मीनिंग जाने हम तो प्रशिक्षु, प्रशिक्षु मतलब सीखने वाला, अभी अभी जो सीखना शुरू किया जिसने, ए पर्सन न्यूली एंटर्ड इन ए ट्रेड टू लर्न अबाउट इट, तो अभी अभी जो एंटर हुआ है सीखने के लिए कुछ, वो ऐसा। रिडिक्युलस, रिडिक्युलस क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण। एब्जर्ड, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, तो रिडिक्युलस जिसको अपने हास्यास्पद भी कह सकते हैं, बद्धा कह सकते हैं, वो मीनिंग होता है इसका। इनसिग्निफिकेंट भी एडजेक्टिव है, विशेषण बताता, विशेषण है अनइम्पोर्टेंट की, यह मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट का, अनइम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल जिसके कोई महत्व नहीं होता, महत्वपूर्ण नहीं होता। हैबरडैशरी ये नाउन है एक, जिसका क्या मतलब होता है, शॉप, क्या होती है ये, शॉप विच सेल्स क्लोथिंग, स्मॉल आर्टिकल्स और ड्रेस। तो हैबरडैशरी ऐसी शॉप को कह देते हैं, दुकान को कह देते हैं, जो क्या कपड़े सेल करती है, मतलब जिस पर कपड़े मिलते हैं हमें, छोटे छोटी और वस्तुएं और ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो दुकान होती है उसको कह देते हैं हैबरडैशरी। जैसे अपने मान लो मनियारी की दुकान कहते हैं, मनियारी की दुकान में एक ही तरह का, जैसे ये मेकअप वाला और ये कॉस्मेटिक्स वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं, उस तरह से ये ऐसी शॉप जहाँ पे कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, छोटी मोटी कोई फैशन की चीज़ें मिलती होंगी, ठीक है, उनको, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है हैबरडैशरी। आगे है ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का क्या मतलब है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, पैटी, ट्रिवियल, हैविंग नो वैल्यू, तो सबका एक ही मतलब है, ऐसी चीज़ें जिसका कोई, महत्व नहीं होता, जो जिनका कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तुच्छ बोल देते हैं जिसको हम, वो। नेक्स्ट है स्क्विगल्स, स्क्विगल्स का क्या मतलब है, ड्राफ्ट्स और एलिजिबल राइटिंग। तो स्क्विगल्स का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राफ्ट्स ऑफ एलिजिबल राइटिंग। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, गिचपिच सी जो लैंग्वेज होती है, जो समझ में नहीं आती, ठीक है, तो उतार, स्क्विगल्स का मतलब ऐसे उतार होता है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, जिसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, उस तरह की लैंग्वेज के लिए स्क्विगल्स वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे राइटिंग के लिए। मैग्निफिसेंट का क्या मतलब होता है, रिमार्केबल, स्प्लेंडेड, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, तो मैग्निफिसेंट होता है उसका मीनिंग। डिसिफर, डिसिफर क्या है, वर्ब है, क्या है, वी दे रखा है, वर्ब है, डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग विच इज पजलिंग एंड मिस्टीरियस। तो डिस्कवर करना द मीनिंग, जो अर्थ है, अर्थ का क्या करना, उसको, अर्थ को बताना या उसका बोध कराना, और समथिंग विच इज़ पजलिंग, जो कि पजल कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ का अर्थ बताना, वो होता है डिसिफर करना उसको। लेविटी नाउन है, नॉन सीरियस डिस्कशन। लेविटी का मतलब होता है छिछोरापन, और नॉन सीरियस डिस्कशन, जैसे ऐसी ही कोई, जिस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है उसमें, ऐसे ही बस बेतुकी बातें जिसको अपने कह सकते हैं, ठीक है, तो वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसक्राइब, टू राइट इन फुल फॉर्म फ्रॉम शॉर्ट हैंड। तो ट्रांसक्राइब करना भी क्या है, वर्ब है एक, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू राइट इन फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में उसको ट्रांसक्राइब, मतलब उसको ट्रांसलेट करके, मतलब उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से, फ्रॉम शॉर्ट, मतलब कोई चीज़ बहुत शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना,
तो वो होता है ट्रांसक्राइब करना उसको। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, और ये वर्ड इस लेसन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्वेजन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सारा लेसन इसी पे बेस्ड है। तो इन्वेजन का, इन्वेजन है नाउन और इसका मीनिंग होता है अटैक, अटैक करना किसी के ऊपर, आक्रमण करना। तो ये थे बच्चों, ये थी आपकी इस लेसन की ग्लॉसरी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस लेसन में, चैप्टर में, जो लेसन पढ़ना शुरू करने से पहले आपको पता होने ज़रूरी हैं। तो हमने अब इसके बारे में पढ़ लिया है, अब हम ये ड्रामा पढ़ना शुरू करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है ये ड्रामा, फ्यूचर बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है, और जो आपकी बुक्स की इसमें वैल्यू बताई गई है, डिफरेंट तरीके से बताई गई है, लेकिन इसका मेन मोटिव बुक्स की वैल्यू बताना ही है। थोड़ा फनी तरीके से बताया है, लेकिन बताई वैल्यू ही है बुक्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं कुछ रीड एंड फाइंड आउट, तो वो कह रहे हैं सीन वन है, सीन वन अपने पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ज़रूरी है ये, जब जैसे ही हम लेसन पढ़ें तो ये दो चीज़ें हैं जिनको अपने फाइंड आउट करते चलना है साथ साथ में। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, तो जो 20th सेंचुरी थी उसको एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा गया है, तो ये आप लेसन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, तो हु ट्राइड, किसने कोशिश करी थी इन्वेड, इन्वेड मैंने आपको बताया क्या होता है, आक्रमण करना, तो किसने कोशिश करी थी आक्रमण करने की, द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, तो 21वीं सदी में किसने अर्थ पर अटैक करने की कोशिश करी थी। तो ये दो क्वेश्चन हैं, अपने को साथ में सीखते जाना है जैसे लेसन पढ़ेंगे। तो पहले टाइम दे रखा है, टाइम कब का है इस ड्रामा, इस ड्रामा का, लेसन का टाइम है द 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी मतलब आज से 400 साल बाद की बात है ये, ठीक है, 25वीं जो सेंचुरी होगी, सदी होगी, उसकी बात है ये, तब का है जो कि आज से कब का लिखा गया है आपका ये ड्रामा। तो तब मान लो ये अपने ये मान के चलना है कि अपने अब 25वीं सदी में हैं, तब 25वीं सदी में क्या कुछ होगा, उस सदी में ये ड्रामा है जो बनाया, ड्रामा एक्चुअली नहीं है, ड्रामा अभी का है, अब की सेंचुरी में से है, लेकिन बात तब से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अभी 25वीं सदी में अपने कैसे बातें करेंगे आज की सदी के बारे में, तो बेसिकली ये कहने की कोशिश करी गई है इसमें। तो प्लेस, टाइम दे दिया आपको, टाइम यहाँ पे 25th सेंचुरी है, और प्लेस क्या है, द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, म्यूज़ियम का नाम है ये, द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट पर कोई म्यूज़ियम है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20 डिपार्टमेंट, ये पूरा नाम ही है उसका मान लो, ठीक है, अर्थ प्लैनेट पे है। तो बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, तो जैसे मान लो जो है अपना पर्दा है वो खुलता है हमारे सामने, क्या है जो स्पॉटलाइट है, वो जब अपने मान लो किसी थिएटर में गए हैं कोई ड्रामा देखने के लिए, तो वहाँ पे एक लाइट सी घूम रही होती है, वो लाइट है वो शाइन करती है हिस्टोरियन के ऊपर, कोई हिस्टोरियन है यानी कि जो हिस्ट्री बताने वाला है कोई, हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, तो जो कि जो हिस्टोरियन है वो क्या है, बैठा हुआ है टेबल पे डाउन राइट, राइट साइड में, ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टेड, तो क्या है वो मूवी प्रोजेक्टर के पास है जो वो बैठा हुआ है जो हिस्टोरियन है, तो मूवी प्रोजेक्टर है, ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, तो एक साइन है ऑन एन ईजल, अब ये ईजल क्या होता है, ईजल का मतलब होता है स्क्रीन, ठीक है,
फलक चित्र जिसको हिंदी में बोल देते हैं, यानी कि वो स्क्रीन स्क्रीन पर है कुछ, क्या दिख रहा है उसको? ए साइन ऑन ईजल बिसाइड हर, उसके साइड में क्या है? एक ईजल पर कोई साइन है, हर रीड्स बिसाइड हर रीड्स, वो रीड क्या किया जाता है, वो पढ़ा जाता है ईजल के ऊपर जो साइन है, म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री। तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये जो है म्यूजियम, जो प्लेस है उसका नाम लिखा हुआ है ये, म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस। तो फिर वो वहाँ से, पहले वो बैठी हुई है साइड में, ठीक है, उसकी स्क्रीन है, अब वो वहाँ से खड़ी होती है। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, ऐसे झुक कर ऑडियंस के, मतलब ऑडियंस का स्वागत करती है, हाय ऐसे अभिवादन करती है यानी कि ऑडियंस को, हिस्टोरियन। फिर वो क्या है इसका मतलब, ये बोलना शुरू करती है। अब हिस्टोरियन क्या बोलती है वो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कहती है सबको, वेलकम टू आर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है, ऑफ एंशंट हिस्ट्री, हमारा म्यूजियम जो कि क्या है, एंशंट, एंशंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, ठीक है, पुराना, पुरानी, प्राचीन हिस्ट्री। एंड टू माई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है उसका, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड। तो क्यूरियोसिटीज़ का मतलब हमने क्या पढ़ा था पीछे, इसका मतलब होता है अजीबोगरीब कुछ चीज़ें होती हैं जो, तो गुड ओल्ड तो पुरानी जो हैं, अजीबोगरीब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस, वो उसके डिपार्टमेंट में है। फार ऑफ 20th सेंचुरी, फार ऑफ मतलब बहुत पुरानी, फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर, 20th सेंचुरी जो कि 20वीं सदी से संबंधित हैं, जो अजीबोगरीब वो जो चीज़ें हैं उसका म्यूजियम है, उसके उस डिपार्टमेंट की है वो मेंबर, और ये म्यूजियम में है, म्यूजियम में ऐसी ही चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। तो द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, जो 20th सेंचुरी थी वो प्राय, ऑफन का मतलब प्राय होता है, कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, इसको जो इस समय को क्या है कहा जाता है, इस एरा ऑफ द बुक मतलब किताबों का समय, ठीक है, किताबों की सदी कहा जाता है इसको। इन दोज डेज, तो क्यों कहा जाता है इन दोज डेज, उन दिनों क्या था? देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। तो क्यों कहा जाता है, आपको कहा था इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे उसका आंसर है, इन दोज डेज उन दिनों में क्या था? देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, यहाँ पे क्या था, हर चीज़ के ऊपर बुक थी। आप अभी के लिए देख लो, आपको हर सब्जेक्ट पे किताबें ही किताबें मिलेंगी। तो हो सकता है कि आगे आने वाली सदियों में, जैसे कि अब इंटरनेट इतना फैलता जा रहा है तो किताबों के शायद वैल्यू कम हो जाए, तो उस समय के लोग हो सकता है किताबों को फिर इस नज़रिए से ही देखेंगे कि हाँ इतिहास में कभी ऐसी किताबें हुआ करती थी, ठीक, तो उसको सोच के ये लोग चल रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी में क्या थी, हर विषय पे की क्या थी, किताबें थी, एवरीथिंग, बुक्स अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम एंटीएटर्स टू जुलूज। तो क्या था, प्राचीन लोगों से लेके जुलूस, जुलूस क्या है, प्रजाति है एक, वहाँ तक, मतलब हर चीज़ पे क्या थी, हर विषय पे क्या थी, किताबें थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड वेन टू, तो किताबें, बुक्स क्या करती हैं, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, तो बुक्स टॉट यानी कि सिखाती हैं, टॉट करती हैं टीच, मतलब किताबें सिखाती हैं लोगों को हाउ टू एंड वेन टू, और क्या सिखाती हैं उसको, कैसे और कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों, ठीक है। तो किताबें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब सिखाती हैं अपने को। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो वो क्या करती हैं, इलस्ट्रेटेड करती हैं, यानी कि इलस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करके, जैसे किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना और अच्छे तरीके से, मतलब उसको, उसकी व्याख्या करना, समझाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड शिक्षा को, पंक्चुएटेड जो क्या होते हैं, समय के जो पाबंद होते हैं, एंड इवन डेकोरेटेड, और वो डेकोरेटेड भी करती हैं, ठीक है। तो मतलब हर काम करती हैं वो, किताबें सब कुछ सिखाती हैं हमें। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड,
लेकिन जो सबसे जो स्ट्रेंज स्ट्रेंज का मतलब क्या होती है, अजीब, ठीक है। तो सबसे जो स्ट्रेंज थिंग ए बुक एवर डिड, जो एक किताब ने कभी करी थी, तो सबसे अजीब चीज़ जो किताब ने कभी करी थी वॉज टू सेव द अर्थ। तो वो क्या था, क्या थी वो सबसे अजीब चीज़ जो बुक ने कभी करी थी, वो क्या थी? टू सेव द अर्थ। उसने अर्थ को सेव किया था, किताब ने सेव किया था अर्थ को। कैसे सेव किया था? यू हैव नॉट हियर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। तो अपने अभी 20 में हैं, तो अपने से भी 20 साल आगे की बात है ये, जो 25th सेंचुरी में करी जा रही है। तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि 40 में मार्शियन इन्वेजन हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने नहीं सुना होगा, यू हैव नॉट हियर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। तो आपने नहीं सुना होगा मार्शियन इन्वेजन का मतलब मैंने आपको बताया आक्रमण होता है, और मार्शियन इन्वेजन का मतलब है मार्स। मार्स क्या है? मंगल ग्रह है ना, जिस पे जाने की अपनी कोशिशें करते रहते हैं। तो ये मंगल ग्रह के का अटैक है, मंगल ग्रह के जो लोगों ने वो 2040 में पृथ्वी पर अटैक किया, इन्वेजन किया, उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। टस्क टस्क, तो ये कोई साउंड आती है, आवाज़ आती है, ठीक है। दैट डू दे, आगे क्या है? व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, जो कि आज वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक, सिखाते हैं, ठीक है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। लेकिन वेल यू नो, लेकिन क्या आपको पता है? लेकिन आपको पता है द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड, ये ऐसी कोई इन्वेजन हुई ही नहीं, ऐसी कोई इन्वेजन हुई ही नहीं। रियली हैपन्ड, नेवर हैपन्ड, कभी नहीं हुई ऐसी। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्यों नहीं हुई इन्वेजन? क्योंकि एक जो सिंगल, एक छोटी सी किताब ने क्या किया था, बुक स्टॉप्ड इट। तो ये इन्वेजन होने वाली थी 2040 में, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक किताब ने इसको रोक दिया था। व्हाट वॉज द बुक, तो क्या वो क्या किताब थी? यू आस्क, आपने पूछा, मतलब वो आप खुद ही बातें कर रहे हैं सामने से, तो क्या कोई बोलेगा? तो वो हिस्टोरियन है, वो खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही आंसर कर रहा है कि अब आपका क्वेश्चन क्या होगा। तो आपने पूछा होगा कि व्हाट वॉज दैट बुक, वो बुक कौन सी थी? अन्य नोबेल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया था? एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश, मतलब बहुत ज्ञान वाली किताब होगी जो, है ना। कैसी वो किताब थी? ए टूम, तो ए टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। तो क्या वो मतलब कोई रॉकेट मिसाइल्स की वाली, जैसे मतलब साइंस से भरी हुई ऐसी कोई किताब होगी जिसने बचाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, तो क्या वो कोई सीक्रेट फाइल थी जो आउटर स्पेस से आई थी, बाहर बाहर के अंतरिक्ष से आई थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोस्त। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं था। इतनी सारी वैल्यू रखने वाली भी कोई किताब नहीं थी, बहुत साधारण सी वो किताब थी, ठीक है। तो इट वॉज बट हेयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्री स्कोप एंड शो यू वट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। तो वो क्या कहता है? इट वॉज बट हेयर, लेकिन वो रुको, ठीक है। लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्री स्कोप, मुझे हिस्ट्री स्कोप पे देखने दो। हिस्ट्री स्कोप यानी कि वो हिस्ट्री बताने वाला क्षेत्र, यानी कि वो यंत्र होगा उसके पास कोई स्क्रीन पे दिखाने वाला। तो वो गया, एंड शो यू, और मुझे आपको दिखाने दो व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज अगे, वो कई सेंचुरी पहले क्या हुआ था 2040 में, तो मुझे वो आपको दिखाने दो सारा कुछ। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, तो वो अपने प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ती है। टर्न्स ऑन एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको क्या करती है, पॉइंट करती है लेफ्ट की तरफ, इसको लेफ्ट की तरफ करती है। स्पॉट लाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, तो जो स्पॉट लाइट है वो ऊपर होती है स्टेज के,
वो हिस्टोरियन से दूर चली जाती है एंड कम्स अप डाउन, और बाद में जब वो नीचे आती है लाइट लेफ्ट ऑन, लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ ऑन थिंक टैंक, जो बाईं तरफ उसके थिंक टैंक है कोई, ठीक है, थिंक टैंक हु इज सीटेड, जो कि बैठा हुआ है, रेस्ड बॉक्स। रेस्ड बॉक्स हमने क्या पढ़ा था, रेस्ड बॉक्स का क्या मतलब होता है, उठाने वाला बॉक्स, ठीक है, बॉक्स जो इधर उधर घूम सकता है, ठीक है। तो रेस्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स उसकी क्या है, फोल्डेड है। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हैनरी, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि वो जो थिंक टैंक है वो कैसा है। तो वो बैठा हुआ रेस्ट बॉक्स पर, आर्म्स फोल्डेड हैं, और ऐसे मान लो आर्म्स अपने जो बाजुएं हैं ऐसे फोल्ड करके बैठते हैं ना, ए ह्यूज एग शेप्ड हैनरी है उसकी, यानी कि उसका जो सिर है वो अंडे के आकार का है बड़ा सा। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, तो उसने पहन रखी है रोब का मतलब, रोब का मतलब होता है पहनावा, ठीक है, कोई घाघरा सा या ओवर कोट सा लंबा सा, तो वो जो कि डेकोरेटेड है स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं उसके ऊपर। एप्रेंट आइस नूडल स्टैंड्स बिसाइंड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, और एक एप्रेंट आइस नूडल है जो स्टैंड्स बिसाइड हिम उसके बिसाइड जो खड़ी हुई है एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड के ऊपर, ठीक है, मतलब कि बड़ा सा स्विच बोर्ड बनाया हुआ है कोई, और उसके ऊपर क्या है वो एप्रेंटाइज नूडल है। ए साइन ऑन ईजल रीड्स, तो फिर अगेन जो ईजल है वो स्क्रीन है, उसके ऊपर एक साइन आता है वो जो कि पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, मास स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। इस तरह से अपने जो सीरियल वगैरह देखते हैं ना जो साइंस पे बेस्ड से होते हैं, उनमें ऐसे साइंस आते होते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसे फ्लैश हो रहे होते हैं और साइड में एक आवाज़ आ रही होती है, तो उसी तरह का सीन है। बोज लो बिफोर एंटरिंग, तो जो हैं एंटर होने से पहले वो क्या करते हैं, बोज लो, ऐसे झुक के वो करते हैं, जैसे अभिवादन करने के तरीके में ही अपने बॉस के सामने जैसे जाते हैं तो वो ऐसे सिर सा झुकाते हैं ना पहले, तो उस तरह से नूडल बोइंग, ऐसे झुकते हुए नूडल क्या कहते हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर यू योर ऑर्डर्स। तो वो नूडल है बोइंग झुकते हुए पूछती है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल, आप सबसे पावरफुल हो, तो ऐसे उसकी तारीफ में पहले शब्द कह रही है इतने सारे, एंड इंटेलिजेंट हो सब आप, दुनिया सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, क्रिएचर हो, क्रिएचर मींस प्राणी हो, ठीक है, इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तो उसने बुलाया है माइटी थिंक टैंक ने, तो अब नूडल पूछ रही है थिंक टैंक पीवियसली, पीवियसली का क्या मतलब पढ़ा था हमने, इरिटेबली, चिड़चिड़ाते हुए, तो वो खिंच गया, चिड़ते हुए उसने क्या कहा, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तो वो सैल्यूटेशन कर रही है उसको, तो वो कहता है कि आपने कुछ छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, मेरा जो मुझे सैल्यूटेशन करने का जो तरीका है उसमें से आपने कुछ छोड़ दिया है, एप्रेंटाइज नूडल आपने कुछ छोड़ दिया है। तो वो मोगैम्बो वाली मूवी देखी है आपने, मिस्टर इंडिया, उसमें होता है ना मोगैम्बो ऐसे हाथ करके कहते हैं, तो उस तरह से उसका बना हुआ है सिस्टम, तो पूरा उसको एग्जैक्टली वैसे ही बोलना पड़ता है उसके वर्कर्स को। तो वो कह रहा है कि तुमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, अप्रेंटाइज नूडल, तुमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, खिंचते हुए चिढ़ते हुए बोला, गो ओवर द होल थिंग अगेन, तो दोबारा बोलो सारा कुछ जो भी है। तो नूडल फिर क्या कहती है, इट शैल बी डन सर, मतलब मैं ही कर देती हूँ, ठीक है, ये होगा, इन अ सिंग सॉन्ग, तो फिर वो सिंग सॉन्ग एक मतलब सॉन्ग गाने के तरीके से मैं बोलती है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स, तो मार्स का रूलर है वो, एंड हर टू मून्स, जो वो जो थिंक टैंक है वो रूलर है मार्स का, यानी कि जो मार्स है मंगल ग्रह है उसका रूलर है, उसके जो दो चंद्रमा हैं उसका रूलर है, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स है, आउट ऑफ ब्रीथ, उसका सांस चढ़ जाता है इतने में बोलते बोलते, ठीक है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब दोबारा से ऐसे सारी लाइन उसने दोबारा से रिपीट करी, तो थिंक टैंक दैट्स बेटर, अब ठीक है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन
कम्युनिकेशन विद द आर मैंड स्पेस प्रोब। तो मैंड स्पेस प्रोब का क्या मतलब होता है? मानव निर्मित स्पेस प्रोब का मतलब, प्रोब का मतलब होता है जो अंतरिक्ष खोज यान होते हैं, अंतरिक्ष में जो यान होते हैं जो अनुसंधान के लिए यानी कि खोज छानबीन के लिए बनाए गए होते हैं वो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, तो मैं ना मेरी इच्छा है कि मैं कम्युनिकेशन करूं, बातें करूं विद आवर मैंड स्पेस प्रोब, जो हमारा मानव निर्मित जो स्पेस प्रोब है उसके साथ, टू दैट रिडिक्युलस लिटिल प्लैनेट, जो कि वो गया हुआ है, रिडिक्युलस मतलब हास्यास्पद बद्दा, जो लिटिल छोटा सा प्लैनेट है वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जेनरस रूलरशिप, तो जिसको हम अपनी जेनरस रूलरशिप में लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो शासन के अंदर आने वाला है वो लिटिल रिडिक्युलस छोटा सा प्लैनेट है। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, तो व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वो इसको क्या कहते हैं, तो नूडल क्या कहती है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, तो बी योर इंटेलिजेंस, तो उसको कह रही है वो अपने बॉस को, तो ये वो उसका नाम पूछ रहा है कि वो के कौन सा छोटा सा वो प्लैनेट है रिडिक्युलस सा जिसको हम अपनी जेनरस रूलरशिप में लेने जा रहे हैं। तो वो नूडल उसको क्या नाम बताती है, बताती है अर्थ। तो वो अर्थ के बारे में बात कर रहा है, अर्थ को क्या कह रहा है, तुच्छ, ठीक है, रिडिक्युलस कह रहा है, छोटा सा प्लैनेट कह रहा है, तो छोटा सा ही है मंगल ग्रह के मुकाबले में। नेक्स्ट क्या है, फिर थिंक टैंक क्या कहता है, अर्थ ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तो वो कहता है हाँ यस ऑफ कोर्स अर्थ ही है, यू सी देखो कि हाउ इज इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कितना इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब बताया मैंने आपको, कि जिसके कोई महत्व नहीं है, ठीक है, अनमहत्वपूर्ण जो बिना महत्व के है, कितना बेमहत्व का जो है वो है प्लेस है, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, माई मिरर, मेरा जो शीशा है, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मुझे मेरी कंसल्ट करना है, राय लेनी है मिरर की, शीशे की, ठीक है। तो अभी मेरे लिए ज़रूरी है मेरा शीशा, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे एक शीशा मेरे सामने हाजिर किया जाए। नूडल, इट शैल बी डन सर, तो ये होगा श्रीमान जल्दी ही, यानी कि वो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बस जो वो मांग रहा है बस ये अभी हाजिर हो जाएगा। He hands think tank a mirror. तो वो क्या करता है, think tank को एक mirror hands करता है, यानी कि उसको एक think mirror एक शीशा पकड़ाता है think tank. Mirror, mirror in my hand. Who is the most fantastical, intellectually gifted being in the land? तो वो फिर शीशे में देखते हुए शीशे से बात कर रहा है कि शीशे ये बता भी, हु इज़ द मोस्ट फंटेस्टिकल इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, तो कौन सा क्रिएचर है, कोई बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग का मतलब कोई सजीव प्राणी से है यहाँ पे, तो मतलब उनको अपने ह्यूमन तो नहीं कह सकते, मार्स से हैं वो, मार्शियंस हैं, तो मतलब वो कह रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा बीइंग है, कौन सा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअल है, मतलब कि बौद्धिक रूप से बहुत बहुत अच्छा है। तो ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज मतलब स्टेज के ऊपर नहीं है कोई, ऑफ स्टेज स्टेज के बाहर से ही आवाज़ आती है कोई, आफ्टर ए पॉज, एक पॉज लेने के कुछ देर, बिल्कुल मान लो शांति सी होगी और उसके बाद यू सर ऐसे करके आवाज़ आती है। थिंक टैंक के क्या, स्मैकिंग मिरर क्विकर, तो थिंक टैंक क्या करता है, स्मैकिंग शीशे की तरफ ऐसे से देखता है गुरके से और मतलब आकर्षित सा होता है उसके, तो क्विकर उसको कहता है कि जल्दी आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार जब जवाब दो तो थोड़ा मतलब जल्दी दो, तो शीशे को वो ऐसे इशारा करता है। नेक्स्ट टाइम आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे जो स्लो मिरर होते हैं मतलब जल्दी जवाब नहीं देते जो, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो
अपनी खुद की क्या करता है, एडमायर करता है, तारीफ करता है इन द मिरर, शीशे में, ठीक है। आह देयर आई एम, ओ ये मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम ये जो मार्शियंस हैं ये हैंडसम रेस नहीं है? हैंडसम रेस का मतलब जो सबसे, जो मतलब सुंदर जाति, सुंदर जाती हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हैड्स। तो वो कहता है सो मच मोर अट्रैक्टिव, उनसे बहुत ज़्यादा हम क्या हैं, आकर्षित हैं, देन दोज अगली अर्थलिंग्स, वो जो धरती पे रहने वाले जीव हैं उनसे हम ज़्यादा आकर्षक हैं, क्या हैं, आकर्षक हैं, विद देयर टाइनी, उनका क्या है, वो छोटे से सिरों वाले जो धरती के प्राणी हैं उनसे हम जो मार्शियंस हैं वो ज़्यादा हैंडसम प्रजाति हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। तो वो नूडल से फिर कहता है, वो मतलब वो अर्थलिंग्स हैं, छोटे छोटे से रहे हैं उनके, क्या वो अगली से हैं, गंदे से हैं? फिर नूडल की तरफ ऐसे देखते हुए उसको कहता है, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम्हारे जो माइंड है, तुम्हारा दिमाग है, उसके ऊपर एक्सरसाइज किया करो, और समडे किसी दिन तुम यू विल हैव अ बलून ब्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी बलून मतलब ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, जस्ट लाइक माइन, मेरे वाले सिर की तरह। तो उसका बड़ा सा सिर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारा सर भी ऐसे ही हो जाएगा एक दिन। नूडल, तो नूडल फिर क्या कहते हैं, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, कहता है भी, हाँ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ऐसा हो जाए। नेक्स्ट है नूडल, फिर नूडल बोल, नूडल ने क्या दिया, फिर थिंक टैंक बोलता है, क्या कहता है वो, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो स्पेस प्रोब है उसके साथ कॉन्टैक्ट करो हमारा। I want to invade the primitive ball of mud called Earth before lunch. तो फिर वो क्या कहता है कि I want to invade, मुझे क्या करना है, invade करना चाहता हूँ मैं, यानी कि आक्रमण करना चाहता हूँ, that primitive ball of mud, ये किसके लिए कहा गया है, the primitive ball of mud called Earth, तो Earth को उसने क्या कहा है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, प्राथमिक, बॉल ऑफ मड का मतलब है मिट्टी की, मड का मतलब गारा होता है, मिट्टी होती है, तो बॉल गेंद, तो ये मिट्टी की बनी हुई जो गेंद है ना, इसके ऊपर जो प्रारंभिक मिट्टी की बनी हुई गेंद है, इसके ऊपर मुझे जल्दी आज लंच से पहले, बिफोर लंच, लंच से पहले पहले इसके ऊपर आक्रमण करना है और इसको अपने रूलरशिप के अंडर लेना है। नूडल क्या कहती है, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड पे ऐसे ऐसे उंगलियाँ घुमाती है, एडजस्ट करती है लीवर्स, वो जो बने होते हैं जैसे गियर से उनको, ठीक है, स्विचेस को इधर उधर करती है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड पीप्स आर हियर्ड एज द कर्टेन्स ओपन, तो कर्टेन ओपन होता है जैसे ही, कर्टेन मतलब वो पर्दा होता है जो ओपन होता है, खुलता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स, जो आवाज़ें होती हैं पी पी पैम, और वो स्विचेस की टी ऐसे ऐसे कर करा के जो सारी आवाज़ें होती हैं ना वो सुनाई दे रही होती हैं। सीन सेकंड शुरू, इतना था जो पहला फर्स्ट सीन, ठीक है, नूडल और उसके बीच में, थिंक टैंक के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसका है। अब सीन सेकंड शुरू हो जाता है, तो सीन सेकंड जब शुरू होता है इसमें क्या होता है, रीड एंड फाइंड आउट, पहले तो सब सीन सेकंड में हमें क्या रीड, पढ़ते पढ़ते क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, तो जो किताबें हैं ऑन अर्थ, अर्थ में धरती पे जो किताबें मिली हैं उसके बारे में क्या क्या गैसेस, क्या क्या अंदाजे होते हैं जो थिंक टैंक ने लगाए होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं, अब टाइम है ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ ही जो सेकंड हैं उसके बाद, प्लेस वही मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, तो दो जगह से बातें चलेंगी अब, क्योंकि वो लोग स्क्रीन पे बातें करेंगे जैसे अपने ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना बातें किसी के साथ, उस तरह से, ठीक है।
तो एक जगह तो है मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स का जो स्पेस कंट्रोल सेंटर है उनका वो, और दूसरे हैं जो उसके मेंबर्स खड़े हुए हैं सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो दोनों जगहों से बातें चलेंगी। एटराइज जब शुरू होता है तो क्या होता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स ए सेंटर, तो एक कैप्टन ओमेगा है वो सेंटर में खड़ा हुआ है, ओपनिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। तो वो कन्फ्यूज सा है कैप्टन जो ओमेगा है, वो खड़ा हुआ है सेंटर में बीच में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कभी खोल रहा है कभी बंद कर रहा है कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स, ड्रॉर्स बने हुए हैं ठीक है अलमारियाँ जो उनको कन्फ्यूज्ड फैशन भी, वो कन्फ्यूज है भी क्या है ये चीज़ें अलमारियों में इतनी सारी किताबें, अब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में किताबें ही होंगी, तो वहाँ पे बुक्स हैं उनको कभी ड्रॉर कोई खोल रहा है कभी कोई खोल रहा है देख रहा है अभी ये सब क्या है। लेफ्टिनेंट लोटा इज अप लेफ्ट, जो लेफ्टिनेंट लोटा है वो क्या है अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट लोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस। तो जो लेफ्टिनेंट लोटा है वो उसके बाईं तरफ है काउंटिंग कर रहा है वो बुक्स की इन अ बुक केस, बुक केस में किताबें हैं उनको गिन रहा है सर्जेंट ऊप, और तीसरा उनके साथ कौन है सर्जेंट ऊप है इज एट राइट, वो उसकी दाईं तरफ खड़ा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक किताब को क्या कर रहा है वो खोल रहा है कभी बंद कर रहा है, टर्निंग इट अपसाइड डाउन उसको क्या कर रहा है घुमा रहा है ऊपर से कभी नीचे से, शेकिंग इट उसको ऐसे ऐसे शेक करके देख रहा है, एंड देन रिफलिंग द पेजेस और फिर पेजों को कैसे ऐसे करके देखते होते हैं ना अपने द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड और अपने सिर को ऐसे हिला रहा है। तो पूरा सीन क्रिएट किया है कि उसके जो मार्शियंस हैं वो एंटर कर जाते हैं एक लाइब्रेरी में और वो किताबें देख के कैसे उनके होश उड़े हुए हैं, वो चक्कर खाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या हैं ठीक है। तो वो उसका सीन क्रिएट किया है। नूडल नूडल एडजस्टिंग नोब्स, वो जो स्विचेस हैं नोब्स हैं उनको एडजस्ट करते हुए क्या होती है आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस, मुझे क्या एक क्लोज साइटिंग मतलब करीब से उसको उसकी जो दृश्य है उसका मिला है ऑफ द स्पेस क्रू। स्पेस क्रू क्या होता है जो अंतरिक्ष दल का जो अंतरिक्ष दल होता है जो ठीक है अंतरिक्ष यान का जो दल होता है क्रू सर वो कहती है मुझे उसका क्लोज साइट मिली है। अब थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। तो थिंक टैंक क्या करता है पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, तो वो क्या करता है एक गॉगल्स बड़ी बड़े चश्मे हैं वो पहनता है उनको एंड टर्न्स टुवर्ड्स और मुड़ के आता है टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, तो देखने के लिए ऐसे स्टेज की तरफ फिर वो मुड़ के आता है ठीक है। द दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है कि वो दे सीम टू हैव वो ऐसे लगते हैं ऐसा लगता है जैसे दे हैव दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, तो वो अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में पहुंच गए हैं ऐसा लग रहा है उसको, वो मतलब वो ऐसे घूम के एकदम से उसकी एंट्री सी होती है, फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है वो लोग अर्थ के किसी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, तो ये तो उसका ये जो कहते हैं ना दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, तो ये नूडल ही कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है वो धरती के किसी स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं। फिर थिंक टैंक अब बोलता है एक्सीलेंट बहुत अच्छे मेक वॉइस कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ। नूडल स्पीकिंग इन टू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलती है वो बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, तो ऐसे उनका मतलब बोलने का जो स्टाइल होता है मार्स स्पेस कंट्रोल भी मार्स स्पेस कंट्रोल से बोला जा रहा है कॉलिंग द क्रू, क्रू को उस दल को प्रोब वन उनके दल का नाम है। तो मार्स स्पेस कंट्रोल दोबारा से फिर रिपीट करती है उसको कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, तो फिर वो कहती है कि आप कैप्टन ओमेगा आप आओ और हमें आपकी लोकेशन बताओ आपकी लोकेशन दो,
ओमेगा क्या करता है, ओमेगा के स्पीकिंग इन टू अ डिस्क, उसके डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो कैप्टन ओमेगा के गले में चेन है, उसमें कोई डिस्क है, है मतलब डाली हुई, उसमें ऐसे वो आवाज़ करता है, बोलता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। तो ऐसे बताता है वो भी मैं मार्स स्पेस कंट्रोल को से कांटेक्ट करते हुए बता रहा है वो, लेफ्टिनेंट लोटा सर्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। भी लेफ्टिनेंट लोटा सर्जेंट ओप और मैं अराइव हो गए हैं धरती पर विदाउट इंसिडेंट। विदाउट इंसिडेंट मतलब बिना किसी घटना के, यानी कि कोई हमें दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई, कोई अड़चन नहीं आई, हम धरती पर एंटर हो गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। तो हमने इस जगह पे शेल्टर लिया है, आश्रय लिया है, इंडिकेट्स रूम, रूम की तरफ इशारा कर रहा है वो, दिस स्क्वेयर प्लेस, ये कोई स्क्वेयर प्लेस है, स्क्वेयर प्लेस मतलब चौरस जो जगह है कोई, यहाँ पे हैं हम। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट लोटा। तो वो फिर लेफ्टिनेंट लोटा से, क्योंकि कौन बोल रहा था, कैप्टन ओमेगा बोल रहा था ना, तो लेफ्टिनेंट लोटा से बोलता है क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं। तो लोटा क्या कहता, आई कांट फिगर इट आउट, भी मुझे नहीं पता, मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता कैप्टन, कैप्टन मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता। होल्डिंग अप ए बुक, एक बुक को पकड़ते हुए वो क्या कहता है, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पैक्यूलर आइटम्स, तो मैंने काउंट कर ली हैं, वो बताया था ना, वो गिन रहा था किताबों को, 2000 के करीब मैंने ये पैक्यूलर आइटम्स, क्या होती हैं, अजीबोगरीब जो चीज़ें होती हैं विशे, तो ये जो पैक्यूलर आइटम्स हैं इनको मैंने क्या कर लिया है, गिन लिया है, 2000 गिन चुका हूँ मैं अभी तक। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, तो ये कोई स्टोरेज बार्न है, मतलब स्टोरेज का मतलब जो अपने जिसको बोलते हैं भंडारण के लिए, नहीं कोई चीज़ इकट्ठी करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उस तरह का कोई चीज़ है ये, जहाँ पे कुछ इकट्ठा करके रखा गया होगा। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, तो सर्जेंट ऊप आपको क्या लगता है, अब ऊप, ऊप की बोरी, पहले कैप्टन ओमेगा बोला, फिर लोटा बोला, अब ऊप बोल रहा है। ऊप क्या कह रहा है, आई हैव नॉट अ क्लू, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, कोई क्लू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 मतलब 7 गैलेक्सीज क्या होती हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी है जिसमें सौर मंडल जिसको कह देते हैं ना, तो मैं 7 सौर मंडल घूम चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है, मे बी मतलब शायद, ये क्या है, हैट्स हैं, हैट्स मतलब सिर पे पहनने वाली टोपियाँ जो होती हैं गोल, वो हैं शायद। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वो क्या करता है, एक किताब को ओपन करता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। सेम मे बी दिस इज़ अ हैबर डैशरी, तो वो कहता है शायद मे बी, ये मतलब फैशन के लिए कोई ड्रेस होगी या कुछ ऐसे कुछ पहनने के लिए ही होगा, हो सकता है शायद ये। तो ओमेगा क्या कहता है, बोइंग लो, वो ऐसे फिर मतलब जो नहीं झुके से, ओमेगा क्या कहता है, परहैप्स द ग्रेट माइटी, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो फिर वो कहता कि हमारे तो बस से बाहर है, हो सकता है शायद जो ग्रेट माइटी एंड थिंक टैंक जो हैं वो हमारी कोई मदद कर सके हैं इसमें, हमें कोई लाभ दे सकें, उस हिज ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, वो जो मतलब उनकी जो शक्ति, उनकी जो नहीं सोचने की पावर है, समझने की शक्ति है ना, तो इस मैटर के ऊपर वो कुछ क्या सोचते हैं उससे हमें शायद कोई मदद मिल सके। थिंक टैंक एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है, प्राथमिक रूप से है ना, जरूर जरूर ऐसे जो, ठीक है, तो माय डियर ओमेगा, उसको खुशी होगी भी हाँ ये मेरी तारीफ कर रहा है, ठीक है। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तो कहता भी वो कहते ना कि वो शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके बारे में, उनके दिमाग ज़्यादा है, वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है, तो वो कहता ज़रूर ज़रूर, अब तुम ऐसे करो, होल्ड वन, एक किताब पकड़ो ऑफ द आइटम, मतलब इस आइटम जो भी जो ये चीज़ है ना, इसकी एक कॉपी है, इसको पकड़ो, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जो तो ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, नज़दीक से देख सकूँ।
क्लोजली मतलब पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। तो ओमेगा क्या करती है, हर आ रहा है ना, हर मीन्स वो लड़की है, ठीक है, ओमेगा जो है। तो ओमेगा क्या करती है, बुक ऑन द पाम एक हथेली पे रखती है एक बुक को, और ऐसे करती है उसको आगे। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, जैसा कि भी पता है सबको भी, जो अर्थ क्रिएचर्स हैं, जो अर्थ पे रहने वाले प्राणी हैं, आर ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो वो कह रहा है कि ये जो अर्थ क्रिएचर्स हैं ना, जैसे कि ये सारा दिन खाते ही रहते हैं, तो आप लोग जिस जगह पे खड़े हो, ये वाली जो जगह है, ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। मतलब रिफ्रेशमेंट होती है जैसे ये बर्गर सैंडविच वगैरह, जो मतलब हल्का फुल्का जो खाते हैं हम, है ना, उसको बनाने वाली जो जगह है। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा, अभी मतलब ये चीज़ें बन के तैयार होंगी बाद में। तो ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जहाँ पे ये सामग्री रखी गई है चीज़ें बनाने वाली। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, तो उस तरह से क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है पक्का ही जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हो अब। टू लोटा एंड ऊप, तो लोटा एंड ऊप ही की तरफ मतलब इशारा ही, सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो फिर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड में खड़े हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, तो जो हाँ ऐसा है, तो मतलब जो अर्थलिंग्स हैं उनकी निश्चित रूप से, सर्टेनली का क्या मतलब होता है, निश्चित रूप से हैव अ स्ट्रेंज डाइट, तो उनकी जो डाइट है मतलब जो खान पान है वो अजीब होती है। थिंक टैंक That item in your hand is called sandwich. जो ये जो आपके हाथ में है ना जो आइटम, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, सैंडविच कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच। ओमेगा नोडिंग ए सैंडविच, वो क्या कहते हैं ओमेगा ऐसे सिर हिलाते हुए, ठीक है, ऐसे सिर ए सैंडविच, एक सैंडविच है ये। तो लोटा, लोटा भी वैसे ही करता है रिएक्ट। ऊप क्या करता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, वो भी उसके हाथ से किताब उनके हाथ से लेता है और कहते हैं एक सैंडविच है ये, ऐसे कर रहे हैं रिएक्ट वो, ठीक है, उसको देख के। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, अर्थ जो धरती पर ना डाइट जो है खान पान, उसकी ये क्या है, मेन आइटम है, मेन स्टेपल है, ठीक है। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से पास से देखो। ओमेगा सिक्वेंट्स एट बुक, सिक्वेंट्स का मतलब होता है बहंगेपन तरीके से ऐसे घूर के से देखना, ठीक है। तो ओमेगा ऐसे बहंगे से तरीके से बुक को क्या करता है, देखता है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, तो यहाँ पे क्या है, दो स्लाइसें होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ब्रेड कहते हैं। तो सैंडविच कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बच्चों, एक एक ब्रेड और दूसरा ब्रेड बीच में उसके मटेरियल डालते हैं, तो वो कहता है दो स्लाइसेस होती हैं जिनको ब्रेड कहते हैं, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उसमें उसके बीच में कुछ भरा हुआ होता है। ओमेगा दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ जी अब है तो ये सही, क्योंकि जिल्द होती है बुक के दोनों साइड और बीच में पेजेस होते हैं, तो वो सैंडविच जैसा ही होता है। तो ओमेगा क्या कहता है, हाँ सर ये बिल्कुल सही है। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, अब थिंक टैंक क्या उनको क्या कहता है, इसको कन्फर्म करने के लिए, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो इसके बारे में मैंने बताया है, उसके उसको प्रूव करने के लिए, इसको कन्फर्म करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, तो आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आपको आदेश देता हूँ कि इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, अब ओमेगा ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ईट इट ऐसे पूछता है, अब इसको खाना पड़ेगा, खाएं इसको, खाने वाली चीज़ तो उनको लग ही नहीं रही देख के। तो थिंक टैंक क्या कहता है, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, तुम्हें क्या मेरे माइटी थिंक टैंक के ऊपर कोई डाउट है, कोई संदेह है। ओमेगा ओ नो नो, नहीं अब बॉस को क्या बोलें, बट पुअर लेफ्टिनेंट लोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेफ्टिनेंट लोटा, पर जो कहता है वो ओमेगा क्या कह देता है कि जो पुअर बट पुअर लेफ्टिनेंट लोटा हैज़ नॉट हैड
हर ब्रेकफास्ट जो लेफ्टिनेंट लोटा है ना उन्होंने अपना क्या है आज ब्रेकफास्ट नहीं लिया। लेफ्टिनेंट लोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो फिर वो अपने ऊपर से बड़ा डाल देता है, वो कह देता है लेफ्टिनेंट लोटा है जो उन्होंने आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो मैं ऑर्डर करता हूँ। अब वो कैप्टन है, वो लेफ्टिनेंट है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट को वो ऑर्डर कर देता है। उसने थिंक टैंक ने उसको ऑर्डर किया, उसने आगे लोटा को कर दिया ऑर्डर, ठीक है, कि आप खाओ इसको। लोटा ड्यूबियसली, अब लोटा क्या है, ड्यूबियसली मतलब वो उसको संदेहपूर्ण तरीके से पूछता है, ईट इट, इसको खाना पड़ेगा। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। तो वो क्या कहता है कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। अब वो आगे सरकार है, ठीक है, आई एम श्योर कैप्टन, ये मेरे लिए तो बहुत ही मतलब ऑनर की बात होगी, मैं पहला मार्शियन होऊंगा, मार्स का पहला क्रिएचर होऊंगा जो सैंडविच खाएगा, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मेरे सर्जेंट के होते हुए मैं पहला व्यक्ति बन जूँ इसको खाने वाला, ठीक है। तो ऐसे वो ये अपने अपने सर से टाल रहे हैं बला को। हैंडिंग ओवर द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो जो बुक को क्या करता है, हैंडिंग ऊप को सौंप देता है। सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीजिएटली, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप इस सैंडविच को इमीजिएटली अभी का अभी खाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, अब ऊप क्या करे बेचारा, अब ऊप किसको कहे, वो मेकिंग अ फेस, वो अब ऐसे मुंह बनाता है जैसा तैसा। हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं। लोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, हाँ तो मतलब उसको क्या कह देते हैं, सल्यूट करते हुए कहते हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, तो आपको मार्स की, मंगल ग्रह की ग्लोरी के लिए इसको क्या खाना है, ऊप को, ऊप आपको इसको खाना है, ठीक है। ऊप क्या कहता है, येस ऑफ कोर्स, तो अब क्या करें, बॉस देख रहा है ऊपर से, तो वो कहता है कि ज़रूर, अनहैप्पीली, खुश नहीं है वो बेचारा, ठीक है, अनहैप्पीली इमीजिएटली। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह ऐसे चौड़ा सा खोलता है। ओमेगा एंड लोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ऐसे सांस रोक कर उसको क्या कर रहे हैं, ओमेगा और लोटा देखते हैं उसको। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो नीचे किताब के बुक के कॉर्नर पे क्या करता है, बाइट उसके ऊपर खाता है उसको। एंड पैंटोमाइम्स ओ च्यूइंग, पैंटोमाइम्स का क्या मतलब होता है कि समाग से उसको मतलब ऐसे उसको चबाने का नाटक करता है कि मैं उसको चबा रहा हूँ। एंड स्वेलोइंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और उसको निगल जाता है टेरिबल, बुरे बुरे से फेस बनाते हुए, ठीक है। तो ओमेगा क्या कहता है, वेल ऊप, लोटा वेल ऊप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दोनों कह देते हैं उसको। ऊप कफ, ऊप को क्या कहता है, खांसी आने लगती है। ओमेगा एंड लोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, जो ओमेगा और लोटा क्या करते हैं, पाउंड हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ के ऊपर ऐसे जैसे नहीं थपथपाते से होते हैं, जैसे खांसी आने लग जाती है, गले में कुछ अटक जाता है अपने, तो वो ऐसे करते हैं उसको। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट अ डिलीशियस सर्जेंट ऊप, तो थिंक टैंक पूछता है उससे, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ऊप। तो ऊप क्या कहता है, सैल्यूट करता है पहले, तो दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज़ नॉट डिलीशियस, सही कह रहे हैं सर आप, इट वॉज़ नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन ईट, अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अर्थ वाले हैं जो, ये कैसे इस तरह के सैंडविचेस को पानी के बिना कैसे निगल लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, तो ये जो मार्श की, जो हमारे मंगल ग्रह की डस्ट है, धूल है, उसकी तरह से ड्राई हैं। तो अब किताबें कैसे खाई जाएं, बेचारे ने खा ली जैसे तैसे नूडल। नूडल क्या कहते हैं, सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अब नूडल बीच में बोलता है, आई बैग योर पार्डन, मुझे खेद है, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड, फ्लोटेड मतलब बह रहा है, तैर रहा है, इनटू
माय माइंड, मेरे दिमाग में अबाउट दो सैंडविचेस, उन सैंडविचेस के बारे में कुछ मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, मतलब कुछ तैर रहा है मेरे दिमाग में, मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। तो यू क्या कहता है, इट कांट बी वर्थ मच, ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमारे लिए वर्थ तो नहीं करेगा, इसका कोई महत्व तो नहीं होगा हमारे लिए बहुत, बट गो एड, फिर भी आप बोलो, गिव अस यू ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मतलब बताया था मैंने आपको, जो ऐसी बातें जिनका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। तो गिव अस योर ट्रिफलिंग, तुम्हारी जो ये तुच्छ सी बातें हैं, बिट ऑफ डाटा जो भी है इसको बताओ। नूटल क्या कहता है, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, तो मैंने सर्वेक्षक फिल्म्स देखी हैं इन सैंडविचेस के बारे में, मतलब उसने कोई पिक्चर्स देखी होंगी। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, मैंने नोटिस किया है कि अर्थलिंग्स जो हैं वो इनको खाते नहीं हैं, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो इसको यूज़ करते हैं कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि बातचीत करने का कोई यंत्र के रूप में, जैसे उसने मतलब कोई फिल्म देखी होगी, उसमें देखा कि उस किताब को वो पढ़ रहे हैं, बोलते हुए पढ़ रहा है कोई, तो वो उसको ऐसे लग रहा है ना, वो कम्युनिकेशन कर रहा है किताब के साथ, तो इस तरह उसको कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस है ये। तो थिंक टैंक हॉटली, हॉटली मतलब घमंड से, ठीक है, तो वो घमंडपूर्ण तरीके से देख नेचुरली, तो ऐसे मतलब उसने अपनी तारीफ नहीं रहने देनी, मतलब हर चीज़ क्रेडिट वो खुद ही लेना चाहता है, ठीक है, नेचुरली जरूर। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। तो अब बता तो उसको नूडल रहा है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो पर वो क्रेडिट चाहता है कि सिर्फ उसी को मिले दिमाग की बातों का, बस कि उसी के पास दिमाग है, वही इंटेलिजेंट है। तो कहता है दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, मेरा भी यही अगला जो था नेक्स्ट पॉइंट वही था, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, तो ये जो हैं ये एक्चुअल में क्या है, कम्युनिकेशन करने वाले सैंडविचेस हैं, खाने वाले हैं नहीं। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता, हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं हो सकता, तो फिर सारे सल्यूट करते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। तो थिंक टैंक फिर कहता है देयर फॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, तो फिर मैं तुम सबको ऑर्डर करता हूँ कि इसको सुनो, अब इसको सुनो, ये कम्युनिकेशन वाले सैंडविच हैं, खाने वाले नहीं हैं, तो इसको सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, अब इसको सुने। लोटा एंड ऊप क्या कहते हैं, टू ईच अदर पजल्ड, लिसन टू, एक तरफ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कन्फ्यूज हुए हुए देख रहे हैं, लिसन टू अब उसको सुने, सुने कैसे। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, तो वो कहता है कि तुम लोगों ने अपने कानों में, जैसे अपने कहते थे तूड़ी भरी है कानों में, तो मार्बल्स पत्थर भरे हुए हैं तुम्हारे कानों में। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा भी इसको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, तो वो ऐसे हो जाते हैं बेचारे, बहुत नीचे झुक जाते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, जरूर सुनेंगे सर। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, तो फिर अब वो क्या करते हैं, दे ईच प्रत्येक वो क्या करते हैं, दो दो किताबें उठाकर अपने कानों के पास लगा लेते हैं, लिसनिंग इंटेंटली, उसको सुनने के लिए, ठीक है। लोटा क्या करता है, विस्परिंग कानाफूसी करना ओमेगा को, ओमेगा के कानाफूसी कर रहा है वो, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना। अब लोटा उसके विस्परिंग बैक कह रहा है, नथिंग, मैंने तो कुछ नहीं सुना। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, अब ऊप से पूछ रहा है, ऊप कह रहा है लाउड, नॉट अ थिंग, तो उसने ऊंचे से कह दिया, वो तो विस्परिंग धीरे धीरे बोल रहे थे लोटा दोनों, तो अब ये क्या हुआ, ये एकदम से ऊंचा सा बोल दिया, कहता नॉट अ थिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। ओमेगा एंड लोटा जंप इट इन फ्राइट, वो एकदम से डर गए, ठीक है, जंप मारे। ओमेगा एंड लोटा
दिल लिसन इंटेंटली अगेन, तो दोबारा से सुनने लगे वो। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर, जल्दी मुझे रिपोर्ट दो, मुझे बताओ क्या सुना तुमने। ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, और ये क्या फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी के बारे में कह रहे हैं कि हम शायद जो सही फ्रीक्वेंसी है जिसमें आवाज़ सुनाई देती है उसमें नहीं है, इसलिए हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तो वो क्या कहता है कि सर नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, शायद ये जो अर्थलिंग्स हैं इनके जो कान हैं हमारे से ज़्यादा तेज़ होंगे इसलिए ये सुन लेते होंगे, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब किताब में बोलें तो बेचारे कुछ सुने। तो ऊप क्या कहता, आई डोंट हियर अ थिंग, मैंने कोई चीज़ नहीं सुनी। मे बी दीज सैंडविचेज डू नॉट मेक साउंड्स, मुझे लगता है कि ये जो सैंडविचेज हैं ये साउंड्स मेक नहीं करते हैं, यानी कि इनके ये आवाज़ नहीं करते हैं। थिंक टैंक, वॉट, क्या Does something suggest the mighty think tank has made a mistake? क्या somebody, does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? क्या कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि mighty think tank ने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी ये कह के कि ये वॉइस है इनके बीच में ये साउंड करते हैं। तो ओमेगा क्या कहता है, नो नो सर, वेल वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, ठीक है, हम सुनते रहेंगे, आप ऐसे गुस्सा मत करो। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, मुझे फिर वो फिर कह रहा है मुझे खेद है, ठीक है, मुझे क्या कहता है वो, योर ब्रिलियंस, उसको कह रहे हैं अपने बॉस को, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। तो ट्विरलिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, घूमता हुआ। तो वो कहता अब मेरी कुछ धुंधला धुंधला नहीं, जैसे क्लाउडी मतलब बादलों जैसा, जैसी कुछ जैसे बादल मंडरा रहे होते हैं ना, ऐसे क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कोई इंफॉर्मेशन का बादल है कोई जो घूम रहे हैं मेरे हेड में, मेरे दिमाग में, मेरे सिर में घूम रहे हैं, ठीक है। तो थिंक टैंक, वेल ट्विरल इट आउट, तो इसको घुमाकर बाहर निकालो। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तो क्या कहता है वो, वेल ट्विरल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, तो इसको बाहर निकालो जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा तुम्हारे लिए। तो नूडल फिर क्या कहता है कि आई सीम टू रिकॉल द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन्ड देम एंड वॉच्ड देम। तो वो कहता है कि वो अर्थलिंग्स हैं वो इसको सुनते नहीं हैं, दे डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, इन सैंडविचेस को वो क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं, दे ओपन्ड देम एंड वॉच्ड देम, वो इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं किताब को, खोलते हैं एंड देखते हैं इसको, वॉच देम, इनको देखते हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक क्या कह रहा है, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये सही है, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको क्लैरिफाई करूँगा कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, अब ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट। तो ये अब ऐसे करो कैप्टन, नाउ कैप्टन ओमेगा अब ऐसे करो, टेक दैट लार्ज, वो जो बड़े सी लार्ज वाली जो कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वो जो कलरफुल सैंडविच रखा हुआ है ना वहाँ पे बड़े वाला, तो उसको लेके आओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये मेरे को लग रहा है कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, अब मदर गूज क्या है, बुक का नाम है, ठीक है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। तो वो इस तरह से इस वॉल्यूम को, इस किताब को इस तरह से उठाता है ताकि जो सामने बैठी ऑडियंस है वो इसका टाइटल है वो देख सके, क्या टाइटल है इसके ऊपर, मदर गूज। लोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ओप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर।
तो अब वो उसने उठा रखी किताब, एक उसके लेफ्ट साइड पे मतलब दाई तरफ बाईं तरफ और एक राइट साइड शोल्डर पे है। ऊप ऊप जो क्या है वो राइट शोल्डर पे है, दोनों उसके कंधों के ऊपर से उसको देख रहे हैं किताब को। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। तो फिर ओमेगा अब क्या कह रहा है, इसमें तो कुछ तस्वीरें हैं ये जो अर्थलिंग्स हैं ना धरती के प्राणियों की। लोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। अब लोटा क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कोड से लिखे हुए दिख रहे हैं मेरे को। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, और अब कोड के नाम पे तो साइंस वालों के दिमाग मतलब कान खड़े हो जाते हैं। साथ ही आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, अब मेरे को डिस्क्राइब करो, विश्लेषण करो इस कोड का। ओप, इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स। तो वो कह रहा है छोटी लाइनें हैं, स्क्विगल्स हैं ऊपर नीचे यानी कि ठीक है, तो डॉट्स हैं वो कुछ बिंदियाँ लगी हुई हैं, थाउजेंड ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर। तो जो एक पिक्चर है, पिक्चर के चारों तरफ हजारों बिंदियां हैं, ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, लाइनें बनी हुई हैं। तो वो क्या है, वो अक्षर है ठीक है, वो क्या है, वो लेटर्स हैं जो लिखे हुए हैं। तो उसको तो ऐसे कोड ही लग रहे हैं, वो भी क्या है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है लाइन। तो थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। तो वो कह रहा है कि अर्थलिंग्स जो हैं वो शायद वो इतने प्राइमिटिव नहीं है। प्राइमिटिव यानी कि प्राथमिक, मतलब वो ऐसे ही सोच रहा है कि धरती के जैसे बनी थी बस आज भी उसी स्थिति में है, तो शायद वो इतने प्रिमिटिव आज नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ये जो कोड हैं इनको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इन कोड को, और समझना पड़ेगा ये धरती वाले कहाँ तक पहुँच गए, क्या कुछ करने लग गए हैं। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। अब नूडल क्या कह रहे हैं, मुझे माफ़ करें योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब वो नूडल उसको आइडिया दे रहा है कि जो केमिकल डिपार्टमेंट है हमारा, वो गिव आवर स्पेस पीपल, हमारे जो स्पेस पीपल हैं उनको कोई विटामिन नहीं दे सकता टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, जो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ा सकें, ऐसे विटामिन नहीं दे सकते। तो थिंक टैंक क्या कहता है, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। तो वो थिंक टैंक उसको कहता है रुको, मेरे दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण मैग्निफिसेंट बहुत अच्छा ठीक है ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, तो मेरे दिमाग में ऐसा बहुत मतलब बहुत अच्छा विचार आया है, स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेल। अब बता तो वो नूडल रहे हैं लेकिन वो अपनी अपनी अपना कह के कह रहा है कि मेरे दिमाग में आया है आइडिया बहुत अच्छा कि स्पेस पीपल आवर हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो आपको क्या करेगा, विटामिन देगा जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा ठीक है। टेक दैम इमीजिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। आप जल्दी से उसको टेक करो मतलब खाओ जो विटामिन्स हैं, और इन सैंडविचेस को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। तो जो मीनिंग है इसके कोड के वो अनफोल्ड हो जाएंगे आपके सामने। तो ओमेगा क्या कह रहे हैं, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स। वो क्या कहता है, जल्दी करेंगे इसको तो, और रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। तो जो क्रू है वो विटामिन्स कहाँ से ले लेते हैं, देयर बेल्ट्स, उनके बेल्टें लगी हुई हैं जो, वहाँ से वो विटामिन निकालते हैं, रिमूव करते हैं विटामिन्स, प्रेजेंट विटामिन्स ऐसे सामने दिखाते हैं विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, कठोरता से। स्टिफली का क्या मतलब होता है, कठोरता से, और क्या करते हैं वो, दे होल्ड विटामिन्स इन विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली ठीक है। तो वो अपने ऐसे सख्ताई से कड़ाई से उन विटामिन्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं अपने सामने, और स्वेलो विटामिन्स, और क्या करते हैं, निकल जाते हैं विटामिन्स को, दे पॉप द विटामिन्स इन टू देयर माउथ्स एंड गल्प सिम्यूल्टेनियसली। दे पॉप द विटामिन्स इन टू देयर माउथ्स एंड गल्प स्टीमिनसली। तो क्या करते हैं वो,
अपने जो विटामिन्स हैं उनको अपने मुंह में डालते हैं और गल्प, गल्प का मतलब निगल जाते हैं, सिम्यूल्टेनियसली का मतलब एक एक साथ, ठीक है, तो एक साथ निगल जाते हैं उसको। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो फिर ऐसे अपनी आंखें चौड़ी चौड़ी ऐसे खोलते हैं मोटी मोटी। देयर हेड्स शेक, उनका सर ऐसे क्या करता है, शेक करता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोर हेड्स, और फिर वो क्या करते हैं, अपने हाथ जो हैं अपने माथे पे ऐसे डालते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं, जैसे कि मान लो उनमें एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो ऐसे शो करते हैं, विटामिन खाए और फिर ऐसे जिन झिलमिलाहट तो हुई, अपने सिर घूमता है, सिर पकड़ते हैं ऐसे, सिर हिलता है, सिर फिर माथा पकड़ते हैं, तो सारा सीन ऐसे क्रिएट करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे दिखाते हैं मतलब विटामिन खाने से उनमें क्या हो रहा है, एनर्जी डिवेल्प हो रही है। तो थिंक टैंक क्या बोलता है, एक्सीलेंट, नाउ डिसीफर दैट कोड, अब क्या करो, डिसीफर करो उस कोड को। डिसीफर का मतलब रिवील करना, उस कोड को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, जो जो राइटिंग ऐसे समझ नहीं आ रही हो उसको समझाना, ठीक है, बताना। ऑल सब क्या करते हैं, एक साथ बोलते हैं, इट शैल बी डन सर। दे फ्रोन ओवर द बुक, टर्निंग पेजेस, अब वो क्या करते हैं, बुक की तरफ, बुक खोलते हैं, टर्निंग पेजेस, पेजेस को ऐसे टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, पलटते जाते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आह लोटा ब्राइटली, ओह, ऐसे मतलब वो पढ़ते जा रहे हैं सारे सारे कोड, जल्दी जल्दी किताबें। ऊप बस्टिंग इन टू लाफ्टर, हा हा हा, अब वो हंस रहा है, मतलब वो खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो मदर गूज है, ये बच्चों की पोइम्स की किताब है। तो फिर वो क्या हो रहे हैं, उनको मतलब उनके अर्थ समझ नहीं आ रहे, बस खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, ये क्या कहते हैं, टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे जल्दी से बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब करो ओमेगा, इसको बताओ, एक्सप्लेन करो मुझे। ओमेगा क्या कहता है, यस सर, शी रीड्स, अब ओमेगा पढ़ती है, ठीक है, तो ओमेगा शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, अब वो पूरी सीरियस होकर पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो ये पोइम है, बच्चों की पोइम है ये, मतलब इसका कुछ और है, लेकिन उनको तो बस एज इट इज़ जो इसमें लिखा, अब लिटरेचर है उनकी समझ में थोड़ी लिटरेचर आएगी, वो तो कोड जैसे के जैसे हैं, उनको वैसे के वैसे समझेंगे, तो उसकी सेंस क्या है उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये ठीक है, तो मिस्ट्रेस मैरी, मिस्ट्रेस मैरी के बारे में, मिस्ट्रेस मैरी को कोई कह रहा है क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका जो गार्डन है वो कैसे ग्रो करता है। विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर वेल्स, कॉकल शेल्स क्या होती हैं, सीपियाँ, ठीक है, तो सीपियाँ जो कौड़ियाँ होती हैं, और सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो। प्रेटी मेड्स, खूबसूरत जो मेड्स क्या होती हैं, नौकरानी हैं, ऑल इन ए रो, वो सारी क्या हैं, एक लाइन में हैं। तो इस तरह से उनको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। अब प्रेटी मेड्स मतलब खूबसूरत जो मेड्स क्या होती हैं, काम करने वाली, वो ग्रोइंग इन गार्डन। तो इसमें जो क्या क्या कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि गार्डन में कैसे उग सकती हैं मेड्स, तो हंस रहे हैं वो भी, ये क्या पागलपन लिख रखा है। थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप, तो वो कहता है चुप हो जाओ, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी मतलब बेवकूफ़ी की बातें, इधर उधर की छिछोरापंती, ठीक है, तो ये उस ये समय नहीं है इस तरह की बातें करने का। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें इस डिस्कवरी, इस खोज की सीरियसनेस के बारे में नहीं कुछ महसूस हो रहा, रियलाइज़ नहीं हो रहा। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, तो जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने कैसे खोज कर ली है, कैसे कंबाइन कर दिया है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और माइनिंग, खान खोदने वाले, मतलब अब जैसे जो
जी गार्डन जो है वो रिलेट है एग्रीकल्चर से, और माइनिंग किससे रिलेटेड है, वो खादान जैसे खोज नीचे खुदाई करते हैं उसमें से निकालते हैं चीज़ें, तो वो गार्डन में ही सीपी वगैरह उगा रही हैं। तो कह रहा है कि कैसे इन्होंने कंबाइन कर दिया सारा कुछ, मिक्स कैसे कर रखा है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर। अब वो क्या कर रहे हैं, वो रेयर मेटल है जो सिल्वर है उसकी खेती कर रहे हैं, एक्चुअल ग्रो क्रॉप कर उसको मतलब उगाने वाली फसल बना लिया है सिल्वर मेटल को, ठीक है। धातुएं धातुएं क्या उगाई जा सकती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इन्होंने कैसे कहते भी अपने एग्रीकल्चर को इतना डेवलप कर लिया है कि ये तो सिल्वर ही उगाने लगे, एंड कॉकल शेल्स और कॉकल शेल्स भी उगा रहे हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, तो वो अगर वो सिल्वर वगैरह उगा सकते हैं तो वो ग्रो हाई एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। तो वो अगर वो मतलब सिल्वर वगैरह उगा, क्योंकि वो तो इन्वेजन की सोच रहा था अर्थ पर, तो अर्थ ने तो इतनी तरक्की कर रखी है कि वो तो अगर वो सिल्वर वगैरह उगा रहे हैं खेत में, तो फिर उन्होंने तो मतलब कैसे कैसे बम गोले बना लिए होंगे, कैसे क्या पता उनको भी उगा लिया होगा। एक्सप्लोसिव टू नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, जल्दी हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है, यानी कि जो उनका आक्रमण का जो आक्रमण करने वाला जो बेड़ा है उसके बारे में बात करो, उसको कॉन्टैक्ट करो जल्दी से। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ। सर सर वो सारे तैयार हैं नीचे जाने के लिए और अर्थ को टेक ओवर करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको कहोगे रुको। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उनको बताओ कि हमारे पास अर्थ के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है। लोटा ट्रांसक्राइब, लोटा इसको बताओ, ट्रांसक्राइब करो आगे। लोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, तो फिर वो आगे पढ़ना शुरू करती है। ए डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। अब ये बच्चों वाली पोएम है, ठीक है, डिडल डिडल वाली, कैट फिडल और जंप करती है ओवर, काउ क्या करती है मून पर जंप करती है, द लिटल डॉग लाफ्ड, जो छोटा कुत्ता है वो हंस रहा है, टू सी सो वो इस स्पोर्ट को देखकर हंस रहा है, एंड डिश रेन अवे, जो बर्तन है वो अवे विद द स्पून, चम्मच के साथ उड़ के जा रहे हैं। तो ये बच्चों वाली फैंटेसी की चीज़ें हैं जो जिसको पोइम में पिरोया गया है, लेकिन उनको तो ऐसे लग रहा है ये सब क्या हो रहा है। ऊप लाफिंग, ऊप क्या करता है, हंसता है। द डिश रेन अवे विद द स्पून, डिश भाग गई स्पून के साथ। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, वो कहता है लाफ्टर को रोको, डिजिस्ट स्टॉप करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये क्या है, ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो तो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता के हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। डिड नॉट यू हियर, तुमने नहीं सुना, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, वो तो अपने डोमेस्टिक जो पालतू जो घर में पाले हुए एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनको म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके जो कुत्ते हैं उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows? तो क्या पता उन्होंने जो मतलब वो कह रहे हैं ना पोएम में कि काओ है वो मून की तरफ उड़ के जा रही है ना, इस तरह से क्या कहा है ना, द कै द काओ जम्प्ड ओवर द मून, मून के ऊपर से जंप करी, तो क्या पता वो कह रहा है कि उन्होंने स्पेस में अटैक करने के लिए मिलियन ऑफ काउज इकट्ठी कर रखी हों, है ना, तो वो लॉन्च कर दें उसको हमारे प्लेनेट पे, उनके जो गायें हैं वो अटैक कर दें मिलके। तो इस तरह से उसकी दिमाग में आ रही हैं बातें, तो है ही उसका दिमाग ऐसा। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नोटिफाई करो इन्वेजन फ्लीट को कि हमें इस तरह के अटैक के सामने से, हम तो अटैक, हमें तो अपनी पावर का पता है, हमें अब दूर उनकी पावर का तो पता ही नहीं हो, तो उनकी तो गायें, उनके तो पशु कुत्ते भी जानते हैं, वो तो चांद घूम के आती हैं, है ना, तो क्या बताओ वो आगे से कैसा अटैक करें हमारे ऊपर।
ये सारी चीज़ें नोटिफाई करो इन्वेजन फ्लीट को, नो इन्वेजन टुडे, ओप, तो आज कोई इन्वेजन नहीं होगी, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अब तुम अगला जो है वो कोड मुझे ट्रांसक्राइब करके बताओ। अब ओप क्या कहता है, यस सर, फिर अब वो पढ़ती है, ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। तो अब ये पोएम सुन के तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओ लुक सर, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, वो कहते हैं हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर देखो सर, वाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवार्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। तो वो हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर है ना, वो हम ऑडियंस को दिखाते हुए उसको दिखाते हैं कि अरे ये देखो सर, आप हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर दे रखी है इसमें, तो वो अब हम्प्टी डम्प्टी वो अंडा बनाया होता है, और ये क्या है, माइटी थिंक टैंक का भी सर वैसे का वैसे दिखाया है ना उन्होंने, लार्ज हेनरी है उसकी, तो वो ऐसे ही है अंडे जैसा ब्रेन, उसका बलून वाला जो ब्रेन है, तो उसके जैसा सिर, अब उसकी पिक्चर मैच होगी हम्प्टी डम्प्टी के साथ। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज बुक हिज हेड, तो वो ऐसे अब तो बेचारा बहुत वो हो गया, टेंशन में आ गया, ठीक है, उसका अपना सर पकड़ लिया, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, मेरा ये दिमाग जो बलून ब्रेन है, गुब्बारे वाला बलून ब्रेन दिमाग है ये, तो उसकी तस्वीर है, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं, हैड अ ग्रेट फॉल, हैड अ ग्रेट फॉल मतलब उसका भी मतलब मुझे गिराने के चक्कर में है, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब ये है कि वो प्लान बना रहे हैं कैप्चर करने को मार्स सेंट्रल कंट्रोल को और मुझे, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, तो ये इन्वेजन है मार्स के लिए, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, तो मैं अब देरी नहीं करना चाहता, बिना देरी किए हुए यहाँ से बच के निकलना चाहता हूँ, स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, अभी के अभी है, तुम लोग छोड़ दो अर्थ को, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, तुम अपनी विजिट की मतलब तुम यहाँ पे आए थे इसके बारे में कोई सबूत मत छोड़ना पीछे, द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसके बारे में जान गया हूँ कि वो मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है। ओमेगा लोटा एंड ऊप रश अबाउट, तो वो जल्दी से दौड़ के जाते हैं, पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, किताबें जहाँ जहाँ से उठाई हैं सारी वहाँ वहाँ पे लगा देते हैं। नूडल, वेयर शेल वी गो सर, तो नूडल उससे बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे सर, थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे दूर जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना या छोड़ देना उस जगह को, तो जो इन्वेजन फ्लीट है हमारा उसको बोलो कि मार्स जो प्लैनेट है पूरा, द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, पूरे का पूरा जो प्लैनेट है मार्स उसको छोड़ दो, वहाँ से निकल लो, वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्फा सेंचुरी जा रहे हैं, 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि यहाँ से 100 मिलियन माइल्स अवे है, दूर है। ओमेगा लोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोज, तो क्या होता है अब, ओमेगा लोटा एंड ओप रन ऑफ राइट, वो क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं राइट दाई तरफ एज नूडल, और जैसे कि नूडल हेल्प करती है थिंक टैंक को ऑफ लेफ्ट, तो वो नूडल उसको के साथ जा रही है, उसको पकड़ के लेफ्ट साइड जाते हैं, वो राइट साइड चले जाते हैं, एंड द कर्टेन, उसके बाद जो पर्दा है वो क्लोजेस, गिरता है, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, फिर जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर वापस आती है, तो ये सारा ड्रामा हो चुका, अब हिस्टोरियन के ऊपर लाइट आ गई, अब हिस्टोरियन बोलेगा चकलिंग ऐसे करके नहीं, जैसे मुंह दबा के से हंसते हैं ना, तो चकलिंग उस तरह से हंस मुस्कुराते हंसते हुए से हिस्टोरियन क्या कहते हैं, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ
सेव द वर्ल्ड फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन। तो ये सब थी कहानी वन डस्टी ओल्ड बुक, डस्ट पड़ गई थी उसके ऊपर पुरानी नर्सरी राइम, नर्सरी की जो कविताओं की किताब थी उसने वर्ल्ड को सेव किया फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन। तो मार्स के इन्वेजन से वर्ल्ड को सेव किया। एज यू ऑल नो इन द 25th सेंचुरी, जैसे कि अब 25th सेंचुरी में आप सारे जानते हैं, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन्ड, तो 500 साल बाद ये सब जब हुआ, उससे 500 साल बाद वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स। तो हमने अब रिज्यूम कर लिया है कॉन्टैक्ट विद मार्स, मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 25वीं जब सदी होगी तब हम मार्स में क्या होंगे, मार्स में हमारा आना जाना हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा हमारा मार्स के साथ। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, तो मार्शियंस के साथ हम लोग बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। लेकिन उस समय क्या था, जो ग्रेट माइटी थिंक टैंक था हैड बीन रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो गया बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, बहुत चतुर मार्शियन, मार्स का जो था वो प्राणी था, वाइज एंड वंडरफुल नूडल, तो वाई बुद्धिमान और जो वंडरफुल नूडल सी उससे रिप्लेस हो गया वो, ठीक है। तो वो थिंक टैंक चला गया मान लो, और वो जो बुद्धिमान नूडल था वो आ गया था। ओ यस वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। वो मतलब अब फिक्र मत करो, हमने अब उनको बता दिया है फ़र्क मार्शियंस को, मार्स के जो प्राणी हैं उनको डिफरेंस बता दिया है बिटवीन सैंडविचेस और किताबों के बीच में, किताबों के बीच में उनको अंतर अब हमने बता दिया है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको बता दिया है कैसे पढ़ना है टू, तो हमने उनको ये भी बता दिया इसको कैसे पढ़ना है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, मार्सोपोलिस, मार्सोपोलिस उनकी कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे हमने क्या कर दी है, एक लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश कर दी है। तो उम्मीद की जा रही है 25वीं शताब्दी तक हम लोग इतना कुछ मार्स के लिए कर देंगे। बट एज़ यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज़ स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर bring themselves to read, लेकिन आप but as you might expect, लेकिन शायद आप जो है expect करेंगे, उम्मीद रखेंगे कि अभी भी एक किताब है ऐसी जो मार्शियंस कभी अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, तो वो कौन सी है, यू हैव गेस्ट इट, आपने इसको गेस कर लिया होगा, मदर गूस, ठीक है। तो मदर गूस से आज भी मतलब मार्स वाले 500 साल बाद भी ऐसे ही डरेंगे, मतलब इतना डरा दिया उसको कि 500 साल बाद तक के लोग भी मदर गूस को कभी नहीं पढ़ना चाहेंगे, शी बोज एंड एग्जिट्स राइट। तो ऐसे फन वे वे में वो एग्जिट कर जाती है, ऐसे अभिवादन करके झुक के ऑडियंस को, और फिर कर्टेन गिरता है, पर्दा गिरता है। तो ये थी आपका, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो था ए बुक दैट सेव द अर्थ, क्लेयर बॉयको इसके हैं जो आपके राइटर हैं, क्लेयर बॉयको। तो बच्चों लेसन कंप्लीट हो गया है आपका, क्लास काफ़ी लंबी होगी लेकिन समय अब आपके पास इतना नहीं है कि हम कई की क्लासों में एक चैप्टर पूरा करें, तो कोशिश करिए मैंने इसी एक ही क्लास में इसको कवर करने की। तो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं इसकी इस लेसन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ ग्रामर दे रखी है तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।